एक्चुअली गाना बहुत अच्छा है और मैम के साथ मौका मिला, प्राची बंसल थपकी, छोटी थपकी जो हिचकती है, तो उत्तराखंड की वादियों में सॉन्ग किया है हर्षित, और बहुत ही प्यारा है, और राइटिंग भी किया है मैंने इसमें, और इसमें मनीष मौर्य, नदीम और प्रशांत टीम हमारी जो बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने काम किया है और अच्छा लगता है। मेरा फर्स्ट सॉन्ग है हिंदी, लेकिन बहुत उससे सीखने को मिला, मैडम ने भी काफ़ी सिखाया, एक्टिंग अभी की नहीं है शुरुआत, लेकिन करूँगा, अच्छा करूँगा, बेटर करूँगा इससे। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा, बाकी मैडम बोलेगी, अब देखते हैं क्या। जैसे कि मैम दिल तोड़ के ना जाना, क्या कुछ कहना चाहोगी, कितनों का दिल तोड़ा है अब तक, क्या कितनों ने आपका दिल तोड़ा था? दिल है तो टूटते रहते हैं, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, बट मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, लाइक रीबर्थ और इमोशंस भी है इसमें, और एज गैप होने के बाद भी देयर इज लव, तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी और टीम बहुत अच्छी थी, मतलब इट वाज फन शूटिंग, तो और अच्छा भी आया, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, रियली लाइक इट। सुप्रिया क्या कहना चाहोगी, कितना अच्छा सॉन्ग लगा, क्या लगता है यू या कौन से जनरेशन के लोग हैं जिसे गाने को ज़्यादा पसंद करेंगे? सो बेसिकली ये गाना तीनों जनरेशन के लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक पास्ट लाइफ दिखाई है जो कनेक्ट होगा जो 90s एंड 80s के लोग हैं उनको, एंड यूथ को भी, बिकॉज द मॉडर्न लाइफ दिखाया हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स हमारे सोहन दाई है, तो पूरे उत्तराखंड को बहुत पसंद आने वाला है ये गाना, एंड हम चाहेंगे कि मुंबई भी उनको उतना ही प्यार दे। ऑल्सो दिस शूट वॉज वेरी वंडरफुल, आप सभी लोगों ने फुटेज भी देखा, इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटिफुली, जो स्टाइल है, फर्स्ट टाइम सर शूट कर रहे थे बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस था उनमें एज एन एक्टर, and that came out very well, the team was very beautiful, so I think everyone's going to give enough love and care for the song. kya kehna chahenge, kis tarah ka ab aapne stage pe kiya, release kiya, lag raha aapne jo chaha tha wo kar liya? bilkul jaise maine socha tha, actually usse bhi acha ban gaya hai, to maine imagine kiya tha, jaise maine bataya main to khair wahan par kisi bhi wajah se nahi ja paya tha, lekin sabne itni mehnat ki hai, jo bhi result dekha to mujhe wahi laga jo shayad main hota to itna acha nahi ban pata, lekin jo maine imagine kiya to usse bahut zyada acha, सबकी मेहनत दिख रही है और सोहन भाई जी स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एक गाने के माध्यम से जो एक स्टोरी भी दिख रही है हमें सॉन्ग में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सोचा आपने कि स्टोरी बनाना? स्टोरी तो ऐसे पहले गाना बना था तो एक आइडिया दिमाग में आया था, तो मैंने मनीष भाई से शेयर किया तो उनको पसंद आया, स्टोरी पूरी बनी, सोहन जी को मैंने सुनाया तो उनको भी पसंद आया, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और वो जो स्टोरी है उसको यूज़ किया और बहुत बढ़िया गाना बना। बेसिकली मेरा नाम नदीम है, तो मैंने इस गाने की सिनेमेटोग्राफी की है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी है, बस कैमरा ऑन करो सब अच्छा दिखता है वहाँ पे, तो और सोहन सर बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत फ्रेंडली थे, जिसकी वजह से इजीली हमें शूट करने को मिला और गाना बहुत ही अच्छा था, तो उसी हिसाब से सिनेमेटोग्राफी की जैसा गाना था मूवमेंट्स उसी हिसाब से लिए और सबने अच्छा काम किया, मज़ा आया काम करने में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूज़ बढ़ाओ आप लोग। जैसे आपके क्या कुछ आपके साथ में आपको दिखाया नहीं, सब लोगों ने मेहनत करी, मैं अकेला तो नहीं था, सब टीम वर्क थी, प्रशांत भाई थे, मनीष भाई थे, सुप्रिया थी और सोन भाई का खुद का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें और बहुत पैशन थे वो उसमें स्टोरी में और उसमें हर चीज़ में, सब लोग का धन्यवाद देता हूँ मैं, भाई का थैंक यू वेरी मच जो सबको इतना बड़ा लेकर के चल रहा है, भाई मनीष भाई, सोन भाई, सुप्रिया, हम सब लोग टीम वर्क है, जावेद भाई इधर DOP बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच सब लोगों का। आप इसका नाम जानना चाहोगे और आप इस गाने से किस तरह जुड़े? मेरा नाम प्रशांत है, आई एम फ्रॉम दिस सॉन्ग, बेसिकली ये गाना बहुत मेरे लिए अलग था बिकॉज सोहन जी का इन्विटेशन इस गाने के लिए, यहाँ पे आई बहुत सारी तकलीफ भी आई बिकॉज शेड्यूल बहुत, हमने एक टाइट शेड्यूल था हमारा, बट उसमें बारिश भी आई, बजट का भी इशू हो रहा था, बट सोहन जी ऐसे थे नहीं यार कुछ नहीं करो एक दिन बढ़ने दो और बढ़ने दो, सो बहुत दिल खोल के उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा लगा, और टीम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ के लिए, और सर वो कुरेफ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मजा आया काम करने,
डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। अपनी इंडियन वादियाँ बहुत सारे लोकेशन जो देखे ने उनको नया कुछ देखने मिलेगा, वो पर्पज भी था उनका। तो आप डायरेक्टर हो, किस तरह के प्रोड्यूसर एक्टर हो आप डायरेक्ट किए बताना चाहोगे? एक्चुअली मैं डायरेक्टर मैंने स्टोरी बताई थी सर, वो मनीष जी का सोहन जी का विश्वास है जिसको जो मैंने मेरी स्टोरी मिली डायरेक्शन के बनाना मैं नहीं जा पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट सर ने वॉइस में उत्तेजी थी शूटिंग में मैं नहीं था, अब जो मैंने रिजल्ट देखा बहुत बढ़िया मनीष जी की शुक्रिया मैडम की सोहन जी सबसे सबकी मेहनत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके टीम वर्क जैसे उसमें स्टोरी स्क्रीन प्ले कोरियोग्राफी क्रिएटिव डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है और अपने एक अच्छे ड्यूटी हो अच्छे लाइट मैन हो तो अच्छी टीम हो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो हमें टीम इंपॉर्टेंट है पहले, अगर टीम अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कहना देखते हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर बॉम्बे में आते हैं आप काफ़ी पैसा खर्चा करके बनाते हैं कुछ वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होती क्योंकि उसमें टीम बहुत ज़रूरी है और जेन्युइन टीम जो रियली कुछ करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कॉमन मैन है तो मत आए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही चल सकते हैं अगर कुछ बड़ा करना है क्योंकि आज टेन के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है काफ़ी कंटेंट अच्छे बन रहे हैं तो हमें वो मेहनत करनी है। मैं सारे टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा जो सभी लोगों ने मेहनत की है इसमें प्रशांत भाई का भी काफ़ी मेहनत है।